अज बसपा वालों डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का प्री निर्माण दिवस मनाया गया। एक पासे बसपा है, दूसरे पासे पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है। इकली बसपा नहीं एडे पद्धर से क्यों मनाया गया कि आम आदमी पार्टी ने गल याद नहीं? देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूछा गया से तुसी भी अछूतों की गल करते तो गांधी भी अछूतों की गल करता, तुहाडे च फर्क की आ? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा जिंदा माँ और नर्स में फर्क होंगे। नर्स एक बच्चे की देखभाल इस करके करती है कि उन्हें तनख्वाह मिलती है, बदले माँ इस करके करती है कि उन्हें उन्होंने जन्म दिता होंगे। तो बहुजन समाज पार्टी और आम पार्टी च यह अंतर है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की एक तरह न माँ पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जड़ी आप है वो तो नर्स भी ऐसी निकल गई कि जिन्हें कोई केयर ही नहीं की। अज बाबा साहब के प्री निर्वाण दिवस से उन्हें बाबा साहब न सजदा करना, बाबा साहब न श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझा। इस तो साफ स्पष्ट होंदा कि जो आम पार्टी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच नाल जुड़े हुए लोगों सिर्फ तो सिर्फ मिसगाइड करके उन्हों का वोट हासिल करना चाहती है, उन्हों का समाजिक राजनीतिक और आर्थिक पद्धर कोई तब्दीली नहीं करना चाहती। एक पासे पंजाब दियाँ खब्बे पक्षी धिर ने जिहड़ियां मजदूरों का संघर्ष नूं लैके संघर्ष कर रही ने, उही मंगां नूं लैके उही मंगां ने जिहड़ियां बसपा उठा रही है। आम आदमी पार्टी वालों एक पासे कदे कहा जांदा सी कि धरने नहीं लगणगे, दूसरे पासे लाठीचार्ज किया जाता, उस लाठीचार्ज कैसे देखते हो? देखो आम आदमी पार्टी जां इस तो पहले जिहड़े राज कर चुकियां धिरां जिहड़ियां उन्हां दी सोच विच कोई अंतर नहीं, क्योंकि कभी भी किसी सूबे जां देश ते कोई पार्टी राज नहीं करती, एक विचारधारा राज करती है। और साडे पंजाब सूबे जिहड़ी विचारधारा राज करती उह समंतवाद मनुवाद का समेल है, पूंजीवाद। इस करके आम पार्टी दीयां नीतियां मजदूरां लई, दलतां लई, पछड़ियां लई, गरीबां लई पहले राज करन वालियां धिरां वर्गियां आईयां और उहदे ते उह कम करदी आ, और बड़े जागीरदारू सिस्टम नूं जिहड़ा उह उहनां दी सरप्रस्ती च उह जुल्म करदे आ, शह दिंदी आ, इहदे च कोई अंतर नहीं है। इस करके साडा तां सद्दा है बहुजन समाज नूं कि सुचेत होवो, सावधान होवो और बहुजन समाज पार्टी नूं अपना राजनीतिक दल मन के जथेबंद होवो, तां कि आउण वाले समें च असी ये जो धोखे नाल छल नाल फरेब नाल सत्ता च आउण वालियां धिरां इन्हां नूं सत्ता तों लांभे करिए और जिहड़े दुखी लोग आ उह पंजाब दी सत्ता नूं संभालण और अपने दुखां दा निवारण करन। श्रोमणी अकाली दल नाल बसपा दा गठजोड़ चल रहा है जी, श्रोमणी अकाली दल 10 साल सत्ता हनाउण तों बाद निघार वल गई है। अज बसपा उत्ते इक वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है कि बसपा असल विच श्रोमणी अकाली दल नूं जो मजदूरां दा जो अनुसूचित जाति नाल संबंधित जिहड़े लोग ने उन्हां दा वोट बैंक है जिहड़ा असल विच श्रोमणी अकाली दल नूं खड़ा होण वास्ते कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ एडे वड्डे पद्धर जिहड़ा चर्चा दा विशा बने होए ने। देखो श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा उहदा अपना एजेंडा आ, बहुजन समाज पार्टी का अपना एजेंडा है। बहुजन समाज पार्टी के बारे मैं तुहानूं दस सकदा कि बहुजन समाज पार्टी न्योटियां नतेरियां नेतावियां न्यासरियां लई साहब कंशी राम जी ने बनाई आ और अपने उद्देश नूं पूरा करने लई बहुत ही सहजता दे नाल लगी हुई है और अपनी मंजिल नूं सर करू। मैं कहा ना कि यह कदे भी हमेशा झूठे वादे और खोखले नारे ये राजनीतिक दल दे के वोटरां नूं गुमराह करके सत्ता च आउंदे रहे आ और आम पार्टी भी उस तरह आई आ। धरने बजारे तो उदों तक लगते रहेंगे जदों तक लोगों के नाल जुड़े हुए दुखी लोगों के मसलों नूं हल नहीं किया जाता। भगवंत मान जी दसन कि भाई उन्हां दी सरकार जिहड़ी आ मार्च दे विच बन गई और हुण 9 महीने हो चुके आ। 9 महीने दे विच भगवंत मान जी ने पंजाब दे गरीबां लई शोषतां लई किहड़े फैसले लए आ जिहदे नाल जिहड़े गरीब आ उह संतुष्ट हो जाण? मैनू नहीं लगता, क्योंकि पिंडां दे विच उवें ही समाजिक बाइकाट चलदे आ। क्या भगवंत मान जी दी पार्लीमेंट रही आ उह सीट संगरूर जिथे अज भी बाइकाट आ पिंड कुप खुरद दे विच
क्या भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने पता नहीं कि बाइकाट जिहड़ा आ ये अनकंस्टीट्यूशनल स्टैप है बाई द फ्यूडल्स, तो ये रोकना चाहिए सी भगवंत मान नूं अगर उन्होंने अंदर मोरैलिटी जिंदा थी। लेकिन मैं समझदा कि सत्ता विच आके उन्होंने मोरैलिटी मर चुकी है, इस करके बहुजन समाज पार्टी संघर्षशील है, बहुजन समाज पार्टी उन्होंने इंसाफ दवाऊ। बसपा वालों तलवंडी साबो दे विच 13 नवंबर का ऐलान किया गया कि असी मोर्चा ला रहे हैं, ये पक्का मोर्चा चलेगा जां की अगले की रूपरेखा? देखो बहुजन समाज पार्टी संविधान नूं मनने वाली पार्टी है, असी नहीं चाहते कि जनता लई कोई दिक्कतां पैदा कीतियां जाण, लेकिन जदों सरकार जनता लई दिक्कतां पैदा करदी है तां मजबूरी बस पार्टी नूं कदम चुकने पैंदे आ। तो इहदे बारे रणधीर सिंह बैनीवाल जी दस के गए आ कि 13 तरीक दे प्रोग्राम दा जो ऐलान कीता है बहुजन समाज पार्टी उस प्रोग्राम नाल डट के खड़ी आ, और अगे जो परिस्थितियां आणगियां उहदे अनुकूल फैसला लिया जाऊगा।